उसको प्रॉब्लम कह लेते हैं। आज इस समय किस किस की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, हाथ उठाओ। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आजकल, ऑलमोस्ट सबके जीवन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम दो जगह पर हो सकती है, तो आपको फिर लाइफ में प्रॉब्लम है बाहर, और एक है वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है मेरे मन पर। दोनों में कहाँ बैठी है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम बाहर है या मेरे मन पर है, वो डिसाइड करना है। अब जिस जिसके मन पर प्रॉब्लम बैठी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसके मन पर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो हाथ उठाओ। अच्छा चलो, अभी देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। एक मिनट आंख बंद करें और अपनी प्रॉब्लम को फिर वो भी कहते हैं हाय आपको इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। वो घर जाते हैं, पता है मुझे आज कौन मिला था, तो सामने वाला कहते हैं कैसे है? वो कहते हैं पूछो नहीं, बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दर्द है। इतना सब लोग दुआएं देते हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो तथास्तु हो जाता है। और जितना वो दर्द था, वो दर्द उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ये है संकल्प से सृष्टि। संकल्पों से हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, बताओ इससे बढ़िया जीवन तो मैंने कभी जी नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, आपको तो सुना बहुत बड़ी बीमारी है। कहते वो शरीर को होगी छोटी सी, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं ना, मुझे क्या होगा। वो संकल्प है, संकल्प है। प्रॉब्लम का एक साइज है, वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना कैसे है वो हमारे कंट्रोल में। जैसे ही सुबह होती है तो आप देखेंगे सब दौड़ रहे होते हैं कर्म के पीछे, परंतु वो कर्म कई बार ऐसा महसूस करने भी लगते हैं कि जैसे इसके जाल के अंदर हम ऐसे डकर गए हैं जो निकलना ही बहुत मुश्किल है। परंतु इस जाल से निकला हुआ एक ही वो परम शक्ति परमात्मा है, उनको जानने के लिए शक्तिशाली ज्ञान चाहिए, व्यवहारिक सद्विवेक चाहिए, जीवन दर्शन चाहिए। क्योंकि जब तक जीवन के अंदर आध्यात्मिकता की पुट नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, तब तक हमारे जीवन से असत्यता निकल नहीं सकती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप ये